हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी 2022 टेस्ट गणित से ट्रेन रेलगाड़ी का टाइप 4 इस वीडियो में हम पूरा करेंगे क्वेश्चंस नंबर 51 से क्वेश्चंस नंबर 71 तक। तो देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 51 आपका पूछा गया है कब। जो देखिए, ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट 3 में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई है जो x मीटर है, ये हमने अपने मन से मान लिया। अब देखिए, सभी लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और यहां पर आपके प्रश्न में समय कितना दिया है? समय दिया है 30 सेकेंड। तो यहां पर हमने लिख दिया 30 सेकेंड। और दूरी क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 410 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर हमने माना है, यानी x प्लस 410 ये आपका मीटर में हो गया। और चाल क्या दिया है आपके प्रश्न में? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 66 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर तिरछे तिरछे गुना कर देते हैं, यानी कि x प्लस 410 गुने करेंगे तो x प्लस 410 ही रहेगा बराबर 66 × 5/18 गुना 30 लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये स्टेप हम लिख देते हैं। अब इसको सोल्व कीजिए तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, ये 3 से 22 = 66। दैट मीन्स कहने का मतलब कितना हो गया? x प्लस 410 बराबर गुना कीजिए तो 22 × 5 = 72 से 110 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। अब यहां पर x का मान कितना हो जाएगा? 550 माइनस 410 तो घटा दीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा? सबसे पहले 0 और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। x का मान कितना हो गया? तो x का मान हो गया 140। x क्या हमने माना था? रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर माना था, ये आपका कितना हो गया? 140 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है? देखिए, ऑप्शंस नंबर बी में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 52। क्वेश्चंस नंबर देखिए 52 आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले यहां पर हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर है। इसके बाद देखिए, समय बराबर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और देखिए, आपके प्रश्न में समय कितना दिया है? 44 सेकेंड। तो यहां पर हमने लिखा 44 बराबर दूरी क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई आपके प्रश्न में 162 मीटर दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर हमने मान लिया, यानी कि x प्लस 162 ये आपका मीटर में हो गया। चाल क्या दिया है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में लिख लेंगे 5/18 से गुना करके इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 44 को 44/1 लिख सकते हैं, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, यानी कि 1 × x + 162 तो x + 162 होगा बराबर 44 × 54 × 5/18 यहां पर हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर देखिए 18 + 3 = 54, अब गुना कर लीजिए तो x + 162 बराबर, इधर देखिए हम गुना करके लिखते हैं, ये 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, 0 = 6, फिर ये 15 × 4 = 60 और 6 कितना हो जाएगा? 66। तो x का मान कितना हो जाएगा? 660 में से 162 घटाइए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहां पर 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 498 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है? देखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए 53 भी यहां पर हम बताते हैं। 53 नंबर आपका पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 3 में 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई को कुछ आप मान लीजिए। तो यहां पर हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। अब समय बराबर सभी लोग जानते हैं क्या होता है समय बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और आपके प्रश्न में समय कितना दिया है? 27 सेकेंड, तो 27 सेकेंड हमने लिखा बराबर दूरी। आपके प्रश्न में क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई x हमने माना है, तो x प्लस 450 इतना मीटर हो गया।
और चाल कितना दिया है आपके प्रश्न में 78 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से गुना करके, और 27 को 27 बटा 1 लिखेंगे, तिरछे तिर से गुना करेंगे, x प्लस 450 गुना 1 तो x प्लस 450 होगा, बराबर 27 गुना 78 गुना 5/18, यहां पर हम लिख सकते हैं 27 गुना 78 गुना 5/18। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 2 × 39 = 78। अब यहां पर ये x प्लस 450 बराबर क्या हो गया, तो यहां पर 3 × 39 × 5 यानी कि 3 × 5 = 15 × 39 करना है, तो 15 × 39 करना है, तो 15 × 9 = 35 से बाकी 13, फिर 15 × 3 = 45 और 13, 45 × 10 = 55 और 3 = 58 यानी कि 585 हो गया ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा 585 में से 450 घटा दीजिए, तो यहां पर 5 में से 0 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3 और 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि x का मान 135 हो गया, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 135 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 शिफ्ट 2 में 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है, गति अर्थात चाल, तो यहां पर आपसे पूछा है रेलगाड़ी की गति क्या है, तो गति कहने का मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, और यहां पर दूरी क्या हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई 153 मीटर है और पुल की लंबाई 747 मीटर है, यानी कि दूरी आपका कितना हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई 153 मीटर प्लस पुल की लंबाई कितना है 747 मीटर बटे समय कितना दिया है आपके प्रश्न में 40.5 सेकेंड, 40.5 सेकेंड ये आपके प्रश्न में समय दिया है, ये आपका क्या है मीटर में और ये आपका क्या है सेकेंड में, ऑप्शंस जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो पहले इतना सॉल्व कीजिए, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहां पर पहले लिख देते हैं, ये जोड़िए 7 × 3 = 10 बाकी 1, फिर 4 × 5 = 9 × 10 = 0 फिर बाकी 1, 7 × 1 = 8 और बाकी 1 = 9 यानी कि 900 मीटर बटे ये 40.5 सेकेंड। अब देखिए ये आपका इतना मीटर पर सेकेंड हो गया, ऑप्शंस दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, डेट मीन्स कहने का मतलब ये 900/40.5 गुना 18/5 करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। अब डेसिमल ये हटा सकते हैं तो ऊपर एक जीरो और हो जाएगा, अब देखिए कैंसिल करते हैं, तो यहां पर 81/5 और यहां पर 5 से कैंसिल करते हैं तो 18/5 = 90 यानी कि 1800/5 कितना हो जाएगा 900। अब और कैंसिल कीजिए तो यहां पर देखिए 9 से कैंसिल करते हैं, 9 × 9 = 81 और 9 × 2 = 18, उसके बाद ये 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 × 2 = 18 और ये 00 और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 40/5 = 200 यानी कि 40 × 2 तो कितना हो गया 80 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन दिया है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 शिफ्ट 2 में 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, ट्रेन कितनी लंबी थी, तो सबसे पहले यहां पर आप मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x मीटर थी। अब देखिए आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और आपके प्रश्न में समय कितना दिया है, तो समय दिया है 33 सेकंड, यहां हमने लिखा 33 बराबर, दूरी क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो यहां पर आपके प्रश्न में क्या लिखा है 465 मीटर लंबा पुल है, तो रेलगाड़ी की लंबाई x है प्लस 465 मीटर आपका पुल है यानी x प्लस 465 मीटर में हो गया। चाल क्या दिया है आपके प्रश्न में 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में इसे लिखेंगे यानी 66 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड में हो गया, और 33 को 33/1 लिख सकते हैं, तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 465 × 1 तो x प्लस 465 होगा फिर बराबर, और ये देखिए 33 × 66 × 5/18 यहां हम लिख सकते हैं 33 × 66 ×5/18। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, यहां देखिए 6 × 3 = 18 और 11 × 3 = 33 और ये 11 × 6 = 66। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहां पर x प्लस 465 बराबर,
11 गुना 11 कितना होता है 121, 121 पच्चे कितना हो जाएगा 1 पच्चे 5, 12 पच्चे 60 यानी कि 605। तो x बराबर क्या हो जाएगा 605 में से आप 465 घटा दीजिए, तो यहां पर 5 में से 5 जाएगा 0, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। x का मान कितना हो गया 140, यानी कि x हमने माना था ट्रेन की लंबाई तो 140 मीटर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर है कितना 55, तो 140 मीटर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 शिफ्ट थर्ड में एक ट्रेन 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है और 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, मतलब दो प्लेटफॉर्म है, तो 130 मीटर और दूसरा कितना है 245 मीटर, ये दोनों का अंतर कितना का है, तो 245 में से 130 घटाइए तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहां पर 4 में से 3 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 115 मीटर का डिफरेंस आपका है। और समय देखिए, पहला प्लेटफॉर्म जो 130 मीटर लंबा है उसको 14.5 सेकंड में पार किया जाता है और उसके बाद दूसरा जो प्लेटफॉर्म है 245 मीटर लंबा उसको 20.25 सेकंड में पार किया जाता है, तो यहां पर ये टाइम का डिफरेंस कितना का है, दैट मींस यहां पर 0.50 आपको समझना है, तो ये आपका बड़ा है ये छोटा है, तो यहां पर हम रफ कर देते हैं देखिए, यानी कि 20.25 में से 14.50 आपको घटाना है, तो 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7, 19 में से 14 घटावेंगे तो 5 होगा, यानी कि 5.75 सेकेंड का अंतर है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कहने का मतलब 5.75 सेकेंड में कितना 115 मीटर की दूरी तय किया जाता है, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर की दूरी तय किया जाएगा, यानी कि 115/5.75 इतना मीटर, और 1 सेकेंड में जितना दूरी तय किया जाता है वही उसका मीटर प्रति सेकेंड में चाल होता है। तो यहां पर ट्रेन की गति या ट्रेन की चाल क्या हो गई, तो 115/5.75 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको सोल्व कर देते हैं हम, तो 115 बटे ये 575 हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर में 100 से गुना करेंगे, 25 से कैंसिल करते हैं, 25 दूनी 50, 25 किए 75, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हूं से तो 5 चौके 20, यानी कि क्या हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ऑप्शंस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहां पर 20 में आपको 18/5 से गुना करना है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, तो 5 चौके 20 तो 18 चौके 72 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 आरआरबी ग्रुप डी 1/12/2018 सिक्स टू में पूछा गया है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 54 सेकंड में 815 मीटर लंबा पुल पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी थी। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x मीटर थी। अब देखिए समय बराबर सभी लोग जानते हैं क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और आपके प्रश्न में समय कितना दिया है, समय दिया गया है 54 सेकेंड, तो यहां पर हमने लिखा 54 और दूरी क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो आपके प्रश्न में पुल की लंबाई दिया है 815 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर हमने मान लिया है, यानी कि x प्लस 815 ये आपका मीटर में हो गया, चाल क्या दिया है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं 5/18 से गुना करके, 54 को 54/1 लिख सकते हैं, तिरछे तिरछे गुना कीजिए, x प्लस 815 गुना 1 करेंगे तो x प्लस 815 होगा बराबर, अब 54 गुना 65 गुना 5/18 करना होगा आपको, 54 गुना 65 गुने 5/18, अब सोल्व कीजिए इसे, तो 18 + 54 हो जाएगा ये, अब x प्लस 815 बराबर, तो यहां पर देखिए 5 + 15 गुना 65 करना है, तो 5 + 15 हो गया और 15 + 5 = 75 के 5, बाकी 7 + 15 = 90 और 7 कितना होगा 97, यानी x का मान क्या हो जाएगा 975 में से 815 आपको घटाना है,
तो पांच में से पांच जाएगा जीरो, फिर सात में से एक जाएगा छह और नौ में से आठ जाएगा एक। 160 मीटर कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना है 57, ऑप्शन नंबर सी में ही आपका दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट थर्ड में एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या है। तो पहले देखिए पहला जो रेलवे स्टेशन है वो 350 मीटर लंबा है, तो यहां पर हमने लिख दिया 350 मीटर लंबा पहला रेलवे स्टेशन है। फिर दूसरा रेलवे स्टेशन है 430 मीटर लंबा, तो यहां पर हमने लिख दिया 430 मीटर लंबा दूसरा रेलवे स्टेशन है। तो ये दोनों का अंतर कितना का है, यानी कि 430 में से आप 350 घटाइए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 35 5 40 और 3 43 5 3 8 यानी कि 80 मीटर का अंतर है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और पहला प्लेटफॉर्म जो 350 मीटर लंबा है उसे 15 सेकंड में पार किया जाता है, दूसरा प्लेटफॉर्म जो 430 मीटर लंबा है उसे 23 सेकंड में पार किया जाता है, यानी कि अब 15 सेकंड और 23 सेकंड ये आपका टाइम दिया है, तो इसका अंतराल कितना का है, तो 23 में से 15 घटाइए दैट मींस ये आपका कितना हुआ 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में ट्रेन 80 मीटर की दूरी तय करती है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, दैट मींस कहने का मतलब 80/8 मीटर, दैट मींस हम बोल सकते हैं 8 × 10 = 80 यानी कि 10 मीटर हम इसे बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही चाल बोला जाता है, यानी कि चाल आपका क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड में बोले तो 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जो बोलना चाहे तो 10 × 18/5 करना होगा, यानी कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा 5 × 2 = 10 तो 18 × 2 = 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 58, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में आपका दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 शिफ्ट 1 में 78 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 27 सेकंड में 445 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले यहां पर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई है x मीटर। अब समय बराबर फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपके प्रश्न में समय कितना दिया गया है, समय दिया है 27 सेकंड, तो यहां पर हमने लिखा 27 बराबर दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है 445 मीटर, तो 445 मीटर प्लस ये आपका रेलगाड़ी की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई x मीटर हमने माना है, ये आपका 445 प्लस x मीटर में हो गया। और चाल क्या दिया है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे 78 × 5/18, ये 27 को 27/1 लिखिए, तिरछे तिरछे गुना कीजिए 445 प्लस x गुना 1 करेंगे तो 445 प्लस x होगा बराबर, ये 27 × 78 × 5/18 हो जाएगा। अब देखिए 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, ये 39 × 2 = 78। अब 445 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, तो 39 × 5 = 15 करेंगे तो 15 × 35 से बाकी 13, उसके बाद 15 × 3 = 45 और 13 कितना होगा 45 × 10 = 55 = 58 यानी कि 585। तो x का मान क्या हो जाएगा 585 में से घटाइए 445 को, तो घटाते हैं 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 140 मीटर कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, क्वेश्चन नंबर देखिए 60 पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 शिफ्ट 1 में एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन कितनी दूर तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, यानी कि मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितना थी तो x मीटर। अब देखिए यहां पर हम दूरी बराबर लिखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, या आप ये भी लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, कोई भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई x मीटर हमने माना है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है 520 मीटर बराबर, चाल क्या दिया है आपके प्रश्न में 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में कर देते हैं 5/18 से गुना करके, और समय कितना दिया है 36 सेकंड, 18 × 36
पांच दूनी दस, सत्तर गुना दस, यानी कि ये आपका 700 हो गया। तो x प्लस 520 बराबर 700, तो x का मान कितना हो जाएगा, 700 में से 520 घटा दीजिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये जीरो सबसे पहले, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 6 में से 5 जाएगा तो 1। x का मान 180, 180 मीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 भी यहां बता देते हैं, ये कब पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 शिफ्ट 1 में एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति कितनी है। तो ट्रेन की गति आपसे पूछा है, डेट मीन्स कहने का मतलब ट्रेन की चाल, तो सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले दूरी आपको लिखना है, तो प्रश्न में क्या दिया है, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 755 मीटर लंबा पुल है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 165 मीटर प्लस 755 मीटर, यहां हमने लिखा 165 मीटर प्लस 755 मीटर, और समय कितना दिया है 46 सेकंड में, तो यहां पर हमने लिखा 46, ये आपका मीटर में है और ये आपका सेकंड में है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो पहले जोड़ लीजिए, 5 5 10 के 0 बाकी 1, फिर 6 5 11 12 के 2, फिर बाकी 1 7 1 8 और बाकी 1 9 बटे 46, ये मीटर प्रति सेकंड में है। ऑप्शंस दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करना होगा, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब सोल्व कीजिए, तो 46 दुनी 92 होता है, यानी 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20 तो 18 4 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, क्वेश्चन नंबर देखिए 62, आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितना है, तो x मीटर है। अब दूरी बराबर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी यहां पर क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई हमने x माना है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो x प्लस 200 ये आपका मीटर में है, बराबर चाल क्या दिया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे 48 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना दिया है 27 सेकंड। अब इसको सोल्व कीजिए, 9 × 18 9 × 3 27 ये 24 × 48 24 5 20 से 120 × 3 यानी कि 360 ये आपका हो गया, और ये x प्लस 200 डेट मीन्स कहने का मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 360 − 200 डेट मीन्स 160, तो x का मान 160 हो गया, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले यहां पर हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर है। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये सभी लोग जानते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन को हमने बताया था। तो दूरी क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई है 152.5 मीटर, 152.5 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर, तो 152.5 मीटर प्लस x मीटर बराबर चाल क्या दिया है, तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करना होगा, यानी 57 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड में हो गया चाल। अब समय कितना दिया है 39 सेकंड। अब इसको सोल्व कीजिए, तो देखिए यहां पर कैंसिल करते हैं तो 6 × 3 = 18 और ये 3 × 3 = 39, और भी कैंसिल करना चाहे तो 2 × 3 = 6 और ये 19 × 3 = 57। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो अब कैंसिल नहीं होगा तो इसे तिरछे गुना कर देते हैं, यानी कि ये 152.5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 0 बाकी 1 और उसके बाद 2 × 4 = 5 हो जाएगा, फिर 15 × 30 यानी कि 305.0 को 305 लिख सकते हैं प्लस x गुना 2 तो 2x हो जाएगा बराबर। अब देखिए 19 × 5 × 13 आपको करना है
तो सबसे पहले 19 पचे 95 गुना 13 करेंगे, 19 पचे 95 और 95 गुना 13 करेंगे तो 13 पचे 65 के 5 बाकी 6, फिर 13 नमा 17 से 117 और 6 123, इस तरह से हमने गुना करके भी लिख दिया। अब यहां पर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1235 में से आपको 305 घटाना है पहले, तो घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा, उसके बाद 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहां पर 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 1 और 3 2 6 12, 1 और 0 2 5 10, एक्स का मान कितना हो गया 465। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 465 मीटर, कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शंस नंबर कितना है 63, तो देखिए ऑप्शंस नंबर डी में दिया गया है ये आपका 465 मीटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 64, क्वेश्चंस नंबर देखिए 64, आरआरबी ग्रुप बी 18/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो पहला प्लेटफॉर्म 110 मीटर लंबा है और दूसरा प्लेटफॉर्म 205 मीटर लंबा है, तो सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, यानी कि 5 में से 0 जाएगा तो 5, उसके बाद यहाँ 20 में से 11 घटाएंगे तो 9, यानी कि 95 मीटर का डिफरेंस है। और देखिए 110 मीटर जो प्लेटफॉर्म है लंबा उससे 13.5 सेकंड में पार किया जाता है, और उसके बाद दिया गया है कि जो प्लेटफॉर्म 205 मीटर लंबा है उसे 18.25 सेकंड में पार किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर टाइम का डिफरेंस कितना का है, दैट मींस कहने का मतलब 18.25 में से 13.50 घटाना है, यानी कि 5 में से 0 जाएगा तो 5, फिर 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 12 में से 5 घटा देंगे तो 7, यहां पर 17 में से 13 घटा देंगे तो कितना होगा 4, यानी कि 4.75 सेकेंड, इतना सेकेंड में 95 मीटर की दूरी ट्रेन के द्वारा तय किया जाता है। तो एक सेकेंड में कितना दूरी तय किया जाएगा, यानी कि 95/ कितना हो जाएगा 4.75 इतना मीटर। अब आप जानते हैं एक सेकेंड में जितना दूरी तय किया जाता है वही आपका मीटर प्रति सेकेंड में चाल होती है, दैट मीन्स कहने का मतलब चाल क्या हो गया, ये आपका 95/4.75 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले डेसिमल हटाते हैं तो 95/475 × 100 हो जाएगा, इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 45 2 और 5 × 5 = 25, ये 5 से कैंसिल करेंगे 20 × 25 = 100, ये 95 से 95 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 × 20 यानी कि क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शंस जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 20 में आपको गुना कर देना है 18/5 से, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो गया, तो 5 × 20 18 × 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 64, ऑप्शन नंबर देखिए बी, बी में दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, क्वेश्चंस नंबर देखिए 65, आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है एक 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है, रेलगाड़ी की गति आपसे पूछा है, डेट मीन्स कहने का मतलब रेलगाड़ी की चाल क्या है जो आपसे पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और आप जानते हैं कि यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो 500 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई कितना है 1000 मीटर, तो 500 प्लस 1000 ये आपका क्या है तो मीटर में हो गया, और समय क्या दिया है आपके प्रश्न में 1 मिनट, तो 1 मिनट कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड, 1 मिनट को ही 60 सेकेंड बोला जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा 1500 मीटर और नीचे ये आपका 60 सेकेंड, सबसे पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, 25 × 150 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑप्शंस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 25 में गुना करना होगा 18/5 से, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, तो 5 × 25 ये 18 × 5 = 90 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा ऑप्शन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का 90 किलोमीटर प्रति घंटा बी नंबर ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभा को 8 सेकंड में पार करती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है।
तो सबसे पहले यहां पर हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है x मीटर है, ये हमने अपने मन से मान लिया। और रेलगाड़ी की यहां पर चाल नहीं दिया है, तो रेलगाड़ी की चाल भी मान लेते हैं, ये आपका y मीटर प्रति सेकंड है, ये हमने अपने मन से मान लिया। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करे तो रेलगाड़ी की सिर्फ अपनी लंबाई की गिनती होती है। तो कोई रेलगाड़ी है जो 250 मीटर लंबा है, किसी खंभा को 8 सेकंड में पार कर रहा, ये आपके प्रश्न में दिया है। ये आपका क्या है, ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितना आपके प्रश्न में दे दिया है, 250 मीटर। 250 मीटर लंबा ये आपका ट्रेन है जो खंभा को पार कर रहा है 8 सेकंड में। तो यहां पर से हम लिख सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और यहां पर समय के स्थान पर हम लिख सकते हैं 8 सेकंड, और दूरी सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी, दैट मीन 250 मीटर, और चाल हमने अपने मन से मान लिया है 22 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से तिरछे तिरछे गुना करेंगे, यानी कि 8 गुना 22, तो 8 22 बराबर 250, तो 22 का मान कितना हो जाएगा 250 बटे 8, या ये दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब 22 का मान कितना हो जाएगा 250 बटे 8, ये आपका 22 हमने माना था मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में ही रहने देते हैं। यानी कि ये आपका रेल की चाल कितना हो गया 250 बटे 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चंस में लिखा है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले फिर से लिखते हैं फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए यहां पर अब की बार प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तब लिखने जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करती है तो 20 सेकंड में, और दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालना है, मतलब x मीटर, प्लस ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 250 मीटर, और चाल कितना हो गया है ये 250 बटे 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे पहले इसे सोल्व कीजिए, 20 को 20 बटा 1 लिख सकते हैं, तिरछे तिरछे गुना कीजिए, यानी कि x प्लस 250 बराबर 20 गुना 250 बटे 8 हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, तो चार दुनी 8, चार पच्चे 20, 125 दुनी 250, 125 पच्चे 625। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 625 में से 250 घटाइए तो 5 में से 0 हो जाएगा, तो 5, फिर 2 में से 5 नहीं घटेगा तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, यानी कि 375। तो x का मान कितना हो गया 375, x का मान 375 हो गया, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर देखिए 67 आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की गति कितनी है। तो सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन की गति, दैट मीन्स कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रेन की चाल आपसे पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ये सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना है 145 मीटर और पुल की लंबाई है 655 मीटर, यानी कि 145 मीटर प्लस 655 मीटर बटे समय कितना दिया है 36 सेकेंड, ये आपका 36 सेकेंड दिया है, और ये आपका क्या है ऊपर मीटर में है दूरी। तो इसको सोल्व कीजिए, पहले जोड़ते हैं 5 5 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 के 0 फिर बाकी 1, 6 1 7 और बाकी 1 8, 800/36 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो 18/5 से यही गुना कर देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ये हो गया। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 18 × 36, 5 × 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 67 का देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा सी नंबर ऑप्शन में दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, ये कब पूछा गया है, नेक्स्ट पेज में है 68 नंबर, ये पूछा गया है आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 शिफ्ट 2 में, एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी। तो सबसे पहले मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर थी। अब आप जानते हैं फॉर्मूला कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, इसका यहाँ यूज कर देते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कीजिए, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, एक रेलगाड़ी एक
550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई तो आपसे पूछा है प्रश्न में, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई x हमने माना है तो x प्लस 550 हो जाएगा ये मीटर में बराबर। चाल कितना दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 70 गुना 5 बटा 18 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया। समय कितना दिया है, समय दिया है 36 सेकंड में, तो 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10, 70 गुना 10 यानी कि आपका 700 के बराबर हो गया। तो यहां पर से x का मान कितना हो जाएगा 700 माइनस 550, तो घटाइए 0 यहां पर सबसे पहले, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, यानी कि x का मान कितना हो गया 150। तो रेल की लंबाई कितना हो गई 150 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर देखिए 69, आरआरबी एएलपी एंड टेक्निशियन 21/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन कितनी लंबी थी। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x मीटर थी, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, और यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई x मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है 300 मीटर, ये दोनों का योगफल यानी कि x प्लस 300 ये मीटर में आपका है कुल दूरी हो गया। चाल कितना दिया है, चाल दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 66 गुने 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड में हो गया। समय कितना दिया है 24 सेकंड, अब इसको सोल्व कीजिए तो 6 × 18, 6 × 24, 22 × 66 और 5 × 4 यानी कि 20 हो जाएगा, 5 × 20, 20 × 22 करेंगे तो 22 × 44 यानी कि 440 के बराबर ही आपका हो गया। दैट मीन्स x का मान कितना हो जाएगा, 440 में से 300 घटावेंगे तो 140। कौन सा ऑप्शन दिया है, यानी कि x का मान 140 हुआ यानी ट्रेन की लंबाई 140 मीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्निशियन 20/8/2018 शिफ्ट 2 में, एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया, ट्रेन की रफ्तार क्या है, मतलब ट्रेन की चाल क्या है जो आपसे पूछा है। तो 140 मीटर और 180 मीटर का डिफरेंस कितना का हुआ, तो यहां पर हम लिख रहे हैं डिफरेंस आपका 40 मीटर का हुआ, और देखिए समय दिया है 15 सेकंड और 17 सेकंड, तो 15 सेकंड और 17 सेकंड का अंतर कितना का हुआ 2 सेकंड का, यानी कि कोई ट्रेन है जो 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में 40/2, दैट मींस कहने का मतलब 20 मीटर की दूरी तय करेगी, तो 1 सेकंड में जितना दूरी तय किया जाता है वही आपका मीटर प्रति सेकंड में चाल होती है, यानी कि चाल कितना हो गई तो 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन ऑप्शंस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 20 × 18/5 करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया, तो यहां पर से 5 × 20 18 × 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखिए 71, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट 2 में, 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है और आप जानते हैं फॉर्मूला की दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, और यहां पर दूरी क्या हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई x मीटर हमने माना है, तो x प्लस 450 इतना मीटर आपका हो गया कुल दूरी, और चाल क्या दिया है 76 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 76 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड में हो गया। समय कितना दिया है 27 सेकंड, अब इसको सोल्व कीजिए 9 × 18, 9 × 27 ये 38 × 76 यानी कि x प्लस 450 बराबर क्या हो जाएगा 38 × 5 × 3 यानी 3 × 5 = 15 × 38, तो 15 × 8 = 20 से बाकी 12, फिर 15 × 3 = 45 और 12, 45 + 55 + 2 = 57 यानी कि 570, तो x बराबर क्या हो जाएगा 570 माइनस 450, दैट मीन्स कहने का मतलब सबसे पहले 0 लिखेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1 यानी कि x का मान हो गया 120, दैट मीन्स कहने का मतलब ट्रेन की लंबाई 120 मीटर हो गई, यही आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिया है 71 का, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 120 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 71 के बाद ये आपका देखिए 72 से टाइप 5 स्टार्ट है, तो टाइप 5 आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका या तो ये ट्रेन का रहेगा यानी कि रेलगाड़ी का, या एलसीएम एंड एचसीएफ का रहेगा, या समय दूरी और चाल का रहेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का।
तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।